को लगाएंगे, इन दोनों वायर को लगाएंगे हम कुछ इस तरह से B22 कैप में। नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मेरे पास एक खराब LED बल्ब आया है, ये लुमा प्रो ब्रांड का है, आप देख सकते हो लुमा प्रो 9 वाट का LED बल्ब है और एक ख़राब है, ठीक है। तो इस LED बल्ब को मैं आज रिपेयर करूंगा, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले इस बल्ब को बिजली में लगाते हैं और देखते हैं ख़राब है कि नहीं और क्या प्रॉब्लम दिखाई देता है। हमारे यहाँ पर सीरीज वोल्ट है, 220 वोल्ट है, यहाँ पर लगाता हूँ मैं और देख सकते हो ज़रा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है, ज़रा सा भी ब्लिंक भी नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस डिफ्यूज़र को हटाना पड़ेगा, ये जो प्लास्टिक का व्हाइट कलर का प्लास्टिक है इसको खोलना पड़ेगा, कुछ इस तरह से खोल सकते हो। अगर ना खुले तो यहाँ पर ग्लू रहता है कुछ कुछ बल्ब में, तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हो या दूसरा तरीका अपना सकते हो। डिफ्यूज़र को खोलने के बाद आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर SMD LEDs जो है, ठीक है, उसमें ब्लैक स्पॉट तो नहीं है कहीं पर भी, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि SMD LEDs ख़राब है, ठीक भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा बिजली में लगा के, ठीक है। तो बिजली में लगाता हूँ और देखता हूँ आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दोबारा मैं बिजली में लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा दिया और मल्टीमीटर लेना पड़ेगा उसके बाद आपको, ठीक है। और मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC रेंज पे सेट करना पड़ेगा, 200 वोल्ट DC रेंज, आप देख सकते हो ये DC का सिंबल है, इधर AC, तो DC 200 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो दोस्तों थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब तो मुझे पता चल गया है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा देता हूँ। उसके बाद मल्टीमीटर को लगाता हूँ मैं और यहाँ पर लगभग 80 से 100 वोल्ट आना चाहिए और आप देख सकते हो 66 वोल्ट, तो इसका मतलब ड्राइवर सर्किट से सही वोल्टेज नहीं आ रहा है, प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है, ड्राइवर सर्किट का प्रॉब्लम है, देख सकते हो 66 वोल्ट, तो इसीलिए ग्लो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना SMD LEDs है, 9 SMD LEDs है, इधर 5 है इधर 4 है, तो 9 SMD LEDs को चलाने के लिए कितना वोल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक एक SMD LED है वो 9 वोल्ट का है, ठीक है। तो हमें मिनिमम 81 वोल्ट चाहिए इस MCPCB को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे SMD LEDs हैं वो सभी सीरीज में लगा हुआ है, तो अगर मिडिल में एक ख़राब हो जाए या प्रॉपर वोल्टेज ना मिले तो बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो 81 वोल्ट चाहिए हमें प्रॉपर ग्लो कराने के लिए सभी SMD LEDs को, तो यहाँ पर कम वोल्टेज आ रहा है, 66 वोल्ट आ रहा है, तो इसका ड्राइवर सर्किट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ, मैं स्क्रू इसको खोल लेता हूँ यहाँ पर, देखिए स्क्रू इसको खोल लिया, ठीक है। उसके बाद इसे MCPCB को उठा देता हूँ थोड़ा, देख सकते हो। उसके बाद वायर्स को डिसोल्डर कर देता हूँ, सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर से जो वायर्स है उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें ड्राइवर सर्किट निकालना है, ठीक है, ठीक है। और ये काम आप संभाल के कीजिए क्योंकि बहुत ही हीट रहता है सोल्डरिंग आयरन, और आप देख सकते हो हमारा MCPCB भी निकल गया, ठीक है। थर्मल पेस्ट लगा हुआ है बैक साइड में, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद इस टिक्की को खोलना पड़ेगा, इस टिक्की के खोलने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा, नुकीला स्क्रू ड्राइवर, वेरी शार्प एज का, ठीक है, थिन, और एक तरफ घुसाना पड़ेगा यहाँ पर टिक्की के, और आप देख सकते हो आसानी से निकल गया,
मुझे लग रहा है ये लोकल ब्रांड है, इसका जो टिक्की है बहुत ही पतला है, ठीक है। और इसका ड्राइवर सर्किट में क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं। यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन को लगाता हूँ और डिसोल्डर कर लेता हूँ। यहाँ पर से मैं मल्टीमीटर को हटाता हूँ। यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन लगाएंगे तो पिघल जाएगा, आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से पिघल गया सोल्डर। नीचे गिरा देता हूँ, बहुत ही आसानी से पिघल जाएगा, देख सकते हो, ठीक है, गिरा दिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक हाथ से ड्राइवर सर्किट को खींचूँगा और यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन लगाऊँगा दोनों पॉइंट पे B22 कैप का, और एक हाथ से खींचूँगा ड्राइवर सर्किट को निकालने के लिए। क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्स भी लगा देना पड़ेगा अगर नाप पिघले तो, सोल्डरिंग फ्लक्स, ठीक है। दोबारा कोशिश करता हूँ, देख सकते हो बहुत ही आसानी से पिघल रहा है, देख सकते हो वायर्स तो निकल गया है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है, पर क्या ग्लू लगा हुआ है, देख सकते हो इधर से वायर अंदर चली गए हैं, इधर का खींच नहीं पा रहा हूँ, क्या कुछ अटका हुआ है शायद। यस दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू था, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लू था, इसीलिए नहीं निकल रहा था, तो ज़्यादा खींचना पड़ेगा। तो हमारा ये रहा ड्राइवर सर्किट, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। मुझे लग रहा है आईसी का ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो सब कुछ सही सलामत दिखाई दे रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हमें दोबारा मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरा हमारा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी पॉइंट, डायोड टेस्टिंग, ठीक है, और दोनों वायर्स को शॉर्ट करने से बीप होगा, ठीक है। और सबसे पहले रेजिस्टर्स को चेक करते हैं, ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। ये इंडक्टर कॉयल, इसको लगाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इधर तो सब क्लियर हो गया, डायोड को चेक करते हैं, ठीक है, इस तरफ से ठीक है। ये जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर है बिल्कुल ठीक है, और इधर ये जो कॉयल है इसको देख लेते हैं, ये तो ख़राब नहीं होता है, देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मेन प्रॉब्लम है ये आईसी, ठीक है, आईसी का नंबर कितना है, अगर आपके पास आईसी है तो आप बदल सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करता हूँ, आईसी का नंबर दिखाई दे, हाँ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, आईसी का नंबर देख लीजिए, ठीक है। मेरे पास तो ए आई सी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बाईपास कर दूँगा और इनपुट में एक फिल्म कैपेसिटर लगा दूँगा, ठीक है, तो हमारा जो बल्ब है वो रिपेयर हो जाएगा। या आपके पास
जो रेडीमेड यूनिवर्सल ड्राइवर आता है वो अगर है वो भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा जिस वजह से कस्टमर ज़्यादा पैसा पे नहीं करना चाहेगा। इसीलिए मैं इसी को बाईपास करूँगा और एक फिल्म कैपेसिटर की मदद से इसको रिपेयर कर दूँगा, सिर्फ एक, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कोई लोग मुझे कमेंट पे आके बोलेगा कि ये जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसका प्रॉब्लम है, इसको बदल दीजिए ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है वोल्टेज ना आने का, ये सिर्फ स्मूथ करता है वोल्टेज को, ये भी जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें एक फिल्म कैपेसिटर लेना पड़ेगा 105J 450 वोल्ट का, ठीक है। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये 105J 450 वोल्ट का एक फिल्म कैपेसिटर है, PF जिसको हम बोलते हैं। और उसके साथ एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है 330 किलो ओम का, क्वार्टर वाट का, देख सकते हो, उसके साथ पैरेलल में, ठीक है। कुछ इस तरह से जोड़ देना है और दो वायर लगा देना है एक्स्ट्रा, ताकि हम ड्राइवर सर्किट में लगा सकें। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब देख सकते हो यहाँ पर दो रजिस्टर हैं, ठीक है ना। तो दोनों रजिस्टर को हमें हटा देना पड़ेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो लगभग हमें यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर चाहिए था, लेकिन ये ज़्यादा ओम का है, तो इसीलिए दोनों रजिस्टर्स को हटा देना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से हटा दिया। उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर है उसका किसी भी एक वायर लगा देंगे हम यहाँ पर ड्राइवर सर्किट में और शोल्डर कर देंगे। ठीक है, शोल्डर हो गया कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर एक वायर लगा सकते हो, यहाँ पर एक 10 ओम का रजिस्टर भी जोड़ सकते हो। तो मेरे पास 10 ओम का रजिस्टर नहीं है, तो 4.7 ओम का एक रजिस्टर है और ये हाफ वाट का होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल हाफ वाट का लगाइए, क्वार्टर वाट का यहाँ पर इस्तेमाल ना करें, नहीं तो फ्यूज हो जाएगा। अगर आपके पास हाफ वाट का नहीं है तो 1 वाट का लगा दीजिए तो चल जाएगा, नहीं बिल्कुल, तो यहाँ पर क्वार्टर वाट का बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है। कुछ इस तरह से लगा दूंगा मैं और शोल्डर कर दूंगा, थोड़ा सा शोल्डर लेना पड़ेगा। देखिए शोल्डर कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास 10 ओम का है तो 10 ओम का लगाइए, मेरे पास तो नहीं है अभी, तो 4.7 ओम का लगा दिया हाफ वाट का, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह से लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्शन कर देना पड़ेगा और रिपेयर हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, एक फुल ब्रिज रिपेयर है, इस एक्स्ट्रा को काट देता हूँ मैं, तो दोस्तों इस बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख सकते हो एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ रहता है, आपको दिखाई देगा, ठीक है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, और आप देख सकते हो, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, देख सकते हो इस बार दिखाई दे रहा है, इस तरफ है पॉजिटिव, इस तरफ है नेगेटिव, तो आपको कनेक्शन का देखना पड़ेगा। नेगेटिव जो है वो डायरेक्टली आउटपुट में चला गया है, आप देख सकते हो डायरेक्टली ब्लैक वायर में आउटपुट चला गया है, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव है, इस तरफ है पॉजिटिव, ए वायर यहाँ पर से आईसी में गया है, उसके बाद आईसी से निकल के इस कॉइल में आया है इंडक्टर, और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट आया है पॉजिटिव वायर में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो ये जो लेग है पॉजिटिव का, इसको यहाँ पर बोर्ड से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, इस ट्रैक को हटा देना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर से डायरेक्टली आउटपुट में कनेक्ट कर देना पड़ेगा, या इस जो कॉइल है इसमें लगा सकते हो यहाँ पर,
वो भी होगा, या डायरेक्ट यहाँ पर आउटपुट में लगा सकते हो पॉजिटिव को। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर काट देता हूँ, जो ट्रैक है उसको काट देता हूँ। ठीक है, जिस तरह से घिस के काट देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों, इस तरफ का जो लाइन था, कनेक्शन था, उसको मैं घिस के उठा दिया पॉजिटिव का। ठीक है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर से जो पॉजिटिव आउट आया है उसका जो लाइन गया है यहाँ पर कॉपर ट्रैक, उसको मैं हटा दिया। ठीक है, उसके बाद हमें और एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव का कॉपर ट्रैक है इस तरफ इधर जो गया है, इसको भी यहाँ पर से डिस्कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर घिस के। ठीक है, यहाँ पर घिस लेंगे और डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी घिस के मैं साफ कर दिया। ठीक है, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया उस पॉजिटिव वायर का जो कनेक्शन था इस तरफ। ठीक है दोस्तों, इसलिए मुझे करना पड़ा ताकि यहाँ पर देख सकते हो ना, बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट रहने के वजह से हमारा जो इनपुट है ना, उसका जो वोल्टेज है वो प्रॉब्लम में गिर सकता है, लोड में गिर सकता है, ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा किया, या सारे कंपोनेंट को हटाना पड़ता, नहीं तो कुछ इस तरह से डिस्कनेक्ट ही करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है और एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एक डायोड है इसको काट देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, इसको हटा दिया, यहाँ पर से डायोड को भी हटा दिया। उसके बाद हमें और एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, दो छोटा छोटा जो कैपेसिटर है, इन दोनों को हटा देंगे ताकि एक्स्ट्रा लोड ना डाले इस कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर में एक्स्ट्रा लोड ना डाले, क्योंकि ये दोनों ही देख सकते हो पैरेलल में लगा हुआ है आउटपुट में, इनपुट आउटपुट में दोनों में, दोनों को हटा देंगे। देख सकते हो एक को हटा दिया और दूसरा को हटाता हूँ। देखिए दोनों को हटा दिया, ये दो छोटा छोटा कैपेसिटर था, दोनों को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव को फुल ब्रिज रेक्टिफायर से जो प्लस का आउटपुट आया है उसको इधर आउटपुट वायर्स का पॉजिटिव में लगा देना पड़ेगा डायरेक्टली यहाँ पर से जम्पर वायर से, और हमारा काम हो जाएगा। मेरा एक जम्पर वायर, किसी भी वायर को आप बना सकते हो, यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा मैं कुछ इस तरह से, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर है इसका प्लस में लगाऊंगा एक वायर, मतलब एक पॉइंट। ओके, प्लस पे लगा दिया। ठीक है, इधर प्लस पे लगा दिया और डायरेक्टली इस रेड कलर का आउटपुट का वायर में लगा दूंगा यहाँ पर। यस, हो गया हमारा काम कुछ इस तरह से। तो फाइनली आपको बता दूँ क्या क्या चेंजेस करना पड़ा यहाँ पर, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो दो रजिस्टर था उसको मैं हटा दिया, उसके जगह मैं एक 4.7 ओम का हाफ वाट का रजिस्टर लगा, इसके बदले आप 10 ओम का लगा सकते हो हाफ वाट का। और यहाँ पर एक फिल्म का रजिस्टर लगाया 105J 450 वोल्ट का, और उसके साथ एक 330 किलो ओम का एक डिस्चार्ज रजिस्टर, डिस्चार्ज करने के लिए इस कैपेसिटर को 330 किलो ओम का क्वार्टर वाट का है। और इधर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर था उसका जो आउटपुट का पॉजिटिव था
उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ा दोनों तरफ से और डायरेक्टली यहाँ पर से जम्पर वायर से आउटपुट में लगा दिया, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, आउटपुट के साथ इस कैपेसिटर को लगा रहना देना चाहिए जो 100 वोल्ट का है, ठीक है। इसको बिल्कुल रहने देना पड़ेगा आउटपुट के साथ कनेक्टेड, नहीं तो आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा, ये बिल्कुल ना भूले, ठीक है। यहाँ पर जो एक डायोड था उसको हटा दिया, प्रॉब्लम ना करे, इसलिए रहने देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो दो फिलिंग कैपेसिटर था छोटा छोटा, यहाँ पर दो था, दोनों को हटा दिया, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इस डबल सर्किट को हम हाउसिंग में लगा देते हैं कुछ इस तरह से। एक वायर को लगाएंगे, इन दोनों वायर को लगाएंगे हम कुछ इस तरह से B22 कैप में यहाँ पर लगाएंगे अंदर से, ठीक है। और इसको लगाने से पहले इसको थोड़ा सा इंसुलेटेड कर देंगे, मतलब यहाँ पर टेप लगा देंगे, पेपर लगा देंगे, ताकि अंदर जो मेटल हाउसिंग है उसमें जाकर शॉर्ट सर्किट ना करे, ठीक है। यहाँ पर लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। B22 कैप में ड्राइवर सर्किट को सोल्डर कर दिया, एक्स्ट्रा वायर को काट देता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से मैं अंदर फिट कर दिया, ठीक है। तो इसको तो पहले चेक कर लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, मुझे 100% श्योरिटी है ये रिपेयर हो चुका है, मतलब ये काम करेगा। तो टिक्की को लगा देता हूँ मैं, ओके, टिक्की को लगा दिया। इसके बाद हमारा MCPCB और यहाँ पर थर्मल कंपाउंड ऑलरेडी है, यहाँ पर बिठा देंगे और शोल्डर कर देंगे। रेड कलर का वायर को पॉजिटिव में प्लस में और ब्लैक कलर का वायर को नेगेटिव में शोल्डर कर देंगे। ठीक है, अच्छे से शोल्डर कर दिया, आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए दोनों वायर में आपस में, ओके, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। स्क्रूज को कस देता हूँ, टाइट कर देंगे, ओके। होपफुली हमारा जो बाल्ब है रिपेयर हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा जो बैंड हो गया इसको सीधा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ओके, परफेक्ट। डिफ्यूजर को लगा देता हूँ, यस,
हमारा लुमा प्रो बल्ब रिपेयर हो चुका है, तो चलिए बिजली में लगा के देखते हैं, होपफुली ये ग्लो करे। ठीक है, बहुत मेहनत किया, देख सकते हैं यहाँ पर बिजली है। ठीक है, आपको बल्ब लगा के भी दिखा देता हूँ, देखिए ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस बल्ब को लगाता हूँ, होपफुली ग्लो करे। अगर ग्लो करे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यस, हमारा बल्ब रिपेयर 100%। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डायरेक्ट बिजली में भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट बिजली का बोर्ड है। कोई लोग मुझे कमेंट करता है, डायरेक्ट बिजली में लगा के दिखाओ, ये सीरीज बोर्ड में वोल्टेज कम आता है, ऐसा नहीं दोस्तों, डायरेक्ट बिजली में दिखा देता हूँ। सबसे पहले 100 वाट का बल्ब देख सकते हो ग्लो कर रहा है, इसको खोलता हूँ, और हमारा रिपेयर किया हुआ लुमा प्रो बल्ब देख सकते हो, नो प्रॉब्लम दोस्तों। इस तरह से मैं बहुत सारा LEDs को रिपेयर कर चुका हूँ, इसमें डाउट रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।